नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में देवभूमि उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम खड़े हैं इस समय देहरादून ऋषिकेश राजमार्ग पर, फ्लाईओवर के ऊपर, जहां से मेरे पीछे है चंद्रभागा नदी और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जो सबसे मुख्य पुल है, पहला मेजर ब्रिज, वो यहीं चंद्रभागा नदी पर बन रहा है। तो आइए नज़र डालते हैं अब योग नगरी ऋषिकेश के आगे चल रहे कार्यों पर आज के वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ ट्रेन्स एंड ट्रेवल पर वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए चंद्रभागा नदी पर क्या कार्य चल रहा है, जो पुल बन रहा है उसको देखते हैं इस वीडियो में। सामने ये योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यार्ड लाइन जो इसकी है योग नगरी ऋषिकेश की। ये देहरादून वाली जो सड़क है उसका जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर से ये मैंने लिया है दृश्य। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हो गया है और स्टेशन काफ़ी दूर है यहाँ से, सिग्नल नज़र आ रहा है। और जो लाइंस आई हैं यहाँ पर जो आगे कर्णप्रयाग की तरफ जाएगी चंद्रभागा नदी के ऊपर से होते हुए, देखिए एक लाइन जो सबसे लेफ्ट पे आपको दिख रही है जिसपे स्टॉपर लगा है, ये लाइन तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसके ठीक दाहिने तरफ ये मेन लाइन आ रही है, मेन ट्रैक, जो फिर आगे जाएगा धीरे धीरे कर्णप्रयाग की तरफ। इसके बाद की लाइन पर भी देखिए स्टॉपर लगा हुआ है यहाँ पर, और उधर की जो लाइन है लास्ट में जो दिख रही है उस पर भी स्टॉपर लगा हुआ है और कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं मिट्टी पटाई का लेवल बढ़ाई जा रही है, ऊपर की जा रही है यहाँ पर, और तार खींच चुके हैं यहाँ पर आप देख। और यही ट्रैक आगे फिर चंद्रभागा नदी को क्रॉस करेगा जिस पर पुल बनाने का काम चल रहा है, जो मेजर ब्रिज है। चूँकि इलेक्ट्रिफाइड रूट होगा ये पूरा, तो पुल के ऊपर देखिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नीचे हुआ है तो यहाँ पर जाली लगा दी गई है जैसा कि लगाई जाती है। सामने इधर ऋषिकेश की दिशा है ये और ये फ्लाईओवर है। सामने खूबसूरत पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, नीचे सामने चंद्रभागा नदी है फिर सामने, जिसका स्पैन इधर से आ रहा है, और इधर ये देहरादून की दिशा हो जाएगी। ये दूसरे छोर से शाम का दृश्य है, व्यू है। ये हम खड़े हैं जिधर लाइन आगे कर्णप्रयाग साइड जाएगी, इधर ये हरिद्वार की दिशा हो जाएगी फिर वीरभद्र की। सामने यार्ड की जो लाइन्स हैं वो आपको दिख रही होंगी, वॉशिंग पिट लाइन वगैरह जो बनाई गई हैं यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। मैं और जूम करने की कोशिश करता हूँ। और कार्य अभी भी चल रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत मेगा प्रोजेक्ट है ये। और आगे भी हिल्स में जो है अब काम शुरू हो गया, और जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, वित्तीय वर्ष जो बजट है जो पैसा रिलीज होगा, तो अप्रैल से आप मान के चलिए कार्यों में गति आ जाएगी। तो ये इधर से नज़ारा योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन के आउटर का। ये हम अब पुल के दूसरे छोर पर आ गए हैं जहाँ पर आपको मेन लाइन पर स्टॉपर दिख रहा होगा, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है यहाँ तक वायर खींचा गया है, खंभे लगे हैं, और सामने आप देख सकते हैं हैवी मशीनरी चल रही है यहाँ पर। और इधर ये चंद्रभागा नदी का जो ब्रिज है ये देखिए रेल का रास्ता तैयार हो रहा है। ये फ्लाईओवर के ऊपर से मैं शूट कर रहा हूँ उस वीडियो को। ये सामने चंद्रभागा नदी है। योग नगरी ऋषिकेश से जब ट्रेन चलेगी तो सबसे पहले यही मेजर ब्रिज है, मुख्य पुल पड़ेगा जिससे होकर के ये रेलगाड़ी आगे गुजरेगी फिर। और इसमें धीरे धीरे देखिए कर्व है आगे, और दूर पे धूल उड़ रही है, जो काम चल रहा है आगे पहाड़ों में भी टनलिंग वगैरह का कार्य हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, उसमें टाइम लगता है टनल बनाने में। यहाँ पर आप ब्रिज देख सकते हैं, जो स्लैब है वो डाले जा रहे हैं, गर्डर्स इरेक्ट हो रहे हैं, क्रेन आगे गर्डर रखती जा रही है, और उसके बाद यहाँ पर जो ये मेजर ब्रिज है चंद्रभागा नदी का ये तैयार हो रहा है, क्योंकि इसके बाद ही यहाँ से फिर रेलगाड़ी आगे बढ़ पाएगी।
और जब पुल कंप्लीट हो जाएगा, दूर पर आपको देख रहा होगा डंपर्स वगैरह जा रहे हैं, उधर से एक डंपर आ रहा है देखिए धूल उड़ाता हुआ, क्योंकि आगे फिर टनलिंग होगी, काम होगा यहाँ से धीरे धीरे, फिर पहाड़ पर रेलगाड़ी चढ़ेगी, क्योंकि सबसे मुख्य पहला पड़ाव जो आएगा योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन ही आएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट, इसमें पहला पड़ाव, और इस स्टेशन को बहुत जल्दी शुरू करने की बातें आ रही हैं, शायद माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इसको लोकार्पण करें, इसका उद्घाटन करें, क्योंकि उनका ही ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, उत्तराखंड के चार धाम हैं उनको जोड़ने का रेल से 12 महीने, ताकि जो पहाड़ में पर्वतीय राज्य हमारा उत्तराखंड, इसमें जो लोग हैं उनको सस्ता और आरामदायक सुरक्षित सफ़र साल के 12 महीने मिल सके, इसकी कवायद की जा रही है, और पलायन भी रुके, दोनों ही बातें हैं। तो ये चंद्रभागा नदी पर जो ब्रिज बन रहा है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से कार्य हो रहा है, और बाद में फिर जब ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो इस ट्रैक को आगे बढ़ाया जाएगा यहाँ पर, और फिर इस ट्रैक को आगे बढ़ा करके इसके ऊपर से ट्रैक जाएगा इस नदी को क्रॉस करता हुआ आगे अपने अगले स्टेशन की तरफ। और रिटेनिंग वॉल्स बनाई जा रही हैं यहाँ पर, जो एम्बैंकमेंट है नदी का उसको बहुत मजबूती दी जा रही है, बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है, पत्थर वगैरह लगा करके, जाल बांध करके, क्योंकि जब बरसात में इसका फ्लो होता है, अभी आपको नदी में पानी नहीं दिख रहा होगा, तो बहुत विकराल रूप ले लेती नदी, तो तटबंध जो होता है नदी का उसको पक्का किया जा रहा है, अच्छे से बनाया जा रहा है, ताकि रेल लाइन पर कोई आँच ना आए जब ये बन जाए पूरी तरह से। और ये वो पुल है, साइड के एंगल से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जिससे हो करके रेलगाड़ी आगे पहाड़ों में सुरंगों के ज़रिए सफ़र तय करेगी कर्णप्रयाग तक। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में सबसे पहले जो सबसे बड़ा पुल मेजर ब्रिज आएगा वो ये चंद्रभागा नदी पर है, और इस पर अब गर्डर रखने का काम शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं सामने क्रेन्स लगी हुई हैं और गर्डर रखे जा रहे हैं, जिसके ऊपर फिर स्लैब कास्ट किया जाएगा, उसके ऊपर फिर रेल लाइन बिछाई जाएगी। ये सबसे पहले मेजर पुल है जो पड़ेगा इस रास्ते, इस रेल परियोजना पर गुजारा गया है ऊपर से, जिसके ठीक नीचे से ये रेल लाइन निकलेगी। ये दूसरे छोर से आपको मैं व्यू दिखा रहा हूं, इस परियोजना का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है उत्तराखंड राज्य के लिए। तो ये पुल जो है, इस पर गर्डर रखने का फिलहाल काम चल रहा है।